हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल और भाई आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो सीएनजी वेरिएंट ये रहने वाला है आज का। तो हम गाड़ी के फ्रंट से बात कर लेंगे तो फ्रंट में आपको इस टाइप से कुछ दिखने में ग्रीन मिल जाएगी जो कि आपके ऊपर क्रोम बेल्ट से फिनिश कर रखा है। देन आपको बीच में एक मारुति सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आप अपनी नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। देन आप अगर इसकी लाइट्स के ऊपर आएंगे तो आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी और देन आपकी पार्किंग लाइट मिल जाएगी, आपका टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे लाइट्स के अंदर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का गाड़ी के अंदर ऑप्शन आता नहीं है। बाकी हम गाड़ी के फॉग लैम्प की तरफ चलेंगे तो फॉग लैम्प गाड़ी के अंदर आपको आते नहीं है, मिलते नहीं है। आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं फॉग लैम्प वगैरह। तो फ्रंट से दिखने में सिलेरियो का लुक कुछ इस टाइप से आपको आएगा। बाकी हम चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइलिंग की तरफ। तो साइड प्रोफाइलिंग में आपको फेंटर के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, ORVMs के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलता नहीं है। बाकी आपके जो ORVMs हैं ये आपको मैनुअली फोल्ड और अनफोल्ड करने पड़ेंगे। बाकी अगर हम इसके टायर पर चले जाएंगे तो आपको जेके टायर के टायर मिलेंगे कंपनी फिटेड। अगर हम टायर साइज़ की बात कर लें इसके अंदर तो आपको ये 165x70 R14 inch के स्टील रिम मिलेंगे जो कि आपका व्हील कैप के साथ आएंगे कंपनी फिटेड। तो ये आपकी सेट प्रोफाइलिंग है कुछ दिखने में इस टाइप से। बाकी अगर आप गाड़ी की बाई गए, इस गाड़ी के अंदर जो व्हील बेस मिलता है वो आपको 2425 mm का व्हील बेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो वो आपको 165 mm का मिल जाता है। अगर आप गाड़ी की लेंथ की बात करोगे तो वो आपको 3695 mm का मिल जाता है। वाइड की बात करोगे गाड़ी की तो वो आपको 1600 mm की मिल जाती है। हाइट आपको 1560 mm की मिल जाती है। बाकी अगर आप गाड़ी की टर्निंग रेडियस की बात करोगे तो वो 4.77 mm का मिल जाता है। बाकी हम चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइलिंग में। तो रियर प्रोफाइलिंग में आपको हाई माउंटेड टेल लैम्प मिल जाती है, स्पॉयलर आपको मिलता नहीं है। बाकी आपको आपके रियर मिरर के ऊपर CNG की ब्रांडिंग कर रखी है। देन आपकी सिलेरियो की, अगर हम गाड़ी की बूट की बात कर लें तो सिलेरियो की ब्रांडिंग कर रखी है रियर में। बाकी यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आप अपना बूट लॉक और अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। टेल लाइट्स की तरफ आओगे तो आपको बल्ब वाली टेल लाइट मिलेंगी जो कि आपका हेलोजन बल्ब है। तो ये आपकी स्टॉप लाइट है, ये आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा रियर का। देन आपके रियर लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे जो गाड़ी के रिफ्लेक्टर्स हैं वो बम्पर के ऊपर नहीं, लाइट के अंदर रिफ्लेक्टर्स फिट कर रखे हैं। तो ये आपके रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी अगर आप गाड़ी के बम्पर की बात करोगे तो बम्पर पे आपको दो सेंसर्स मिल जाएंगे। देन हम गाड़ी के बूट और खोल लेते हैं। तो बूट के अंदर आपको स्पेयर व्हील CNG के साथ ही कसा हुआ मिलेगा। ये आपकी पार्सल ट्रे मिल जाएगी कंपनी फिटेड। बाकी जी वगैरह नहीं लगवाते तो आपको 235 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। तो अभी तो आपको खैर बूट स्पेस अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है CNG लगवाने के बाद। बाकी आपको 235 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी अब हम चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड प्रोफाइलिंग के अंदर, आपको क्या कुछ इंटीरियर में मिल जाता है, क्या कुछ चेंजेस हैं 2021 में। तो एक बार मैं गाड़ी ओपन कर लेता हूँ। तो फिलहाल हम गाड़ी के इंटीरियर में आ गए। उस साइड गाड़ी खड़ी हुई थी इसलिए मैं उस साइड से नहीं आ पाया, मैंने इसलिए को पैसेंजर साइड से एंट्री ली है। बाकी अगर हम इसकी गाड़ी के ड्राइवर साइड की डोर की बात कर ले तो आपको चारों पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाएंगे, चारों डोर लॉक और अनलॉक करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। चारों विंडोज लॉक, पावर विंडो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इस साइड देखते हैं आपको वोटर होल्डर का ऑप्शन मिलता नहीं है। हल्की सी पॉकेट स्पेसिंग दे रखी है जिसमें अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपके स्पीकर फिटमेंट हो सकते हैं, आफ्टर मार्केट कंपनी फिटेड नहीं आते हैं। ORVMs आपके मैनुअली एडजस्ट करने वाले हैं, अपने हाथ से आप सेट कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा जिसमें आपका RPM मीटर और आपका स्पीडो मीटर है, दोनों एनालॉग मीटर है। राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको छोटी हल्की सी MID दे रखी है, ज़्यादा बड़ी MID है नहीं। बाकी ये आपका जो इंटीरियर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा जो कि आपका वाइट नहीं कहेंगे, एक तरीके से हल्का वाइट जो है वो ये क्रीम वाला वाइट नहीं है, ये दबा हुआ वाइट है। मतलब ये वाइट और ब्लैक कलर के अंदर आपको इसका इंटीरियर मिलेगा दिखने में। यहाँ पे आपका सिल्वर फिनिशिंग के अंदर बीच का कंसोल आपका जो है ये सिल्वर फिनिशिंग फिनिश कर रखा है ताकि इसका जो डैशबोर्ड का लुक है और ज़्यादा इनहेंस हो जाए। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये है मारुति सुजुकी सिलेरियो CNG, ऑप्शनल मॉडल है ये जिसके अंदर दो एयरबैग आते हैं। अगर आप खाली CNG लेते हो तो उसके अंदर खाली एक एयरबैग आता है, बाकी इसके अंदर दो एयरबैग के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आपकी हजार्ड लाइट ऑन होगी, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं आपकी हजार्ड लाइट ऑन होगी। बाकी जो अगर आप इसके बीच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे तो ये आपका जो है रिट्स, जब इसकी मारुति सुजुकी जो रिट्स आती थी पहले उस टाइप से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है दिखने में। तो बाकी ये आपके मैनुअली AC मिल जाएंगे और ये आपका AC से यहाँ पे आपको AC ऑन और ऑफ को यहाँ पे आपको मैनुअली बटन मिल जाएगा। ये आपका 12 वाट का सॉकेट चार्जर मिल जाएगा, वैसे सिगरेट लाइटर आता था पहले, अब ये चार्जर आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हल्की फुल्की स्पेसिंग मिल जाएगी। ये आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर में है पूरा, और थोड़ा
टेढ़ा कर रखा है, मतलब ये सीधे में नहीं है, जो आपको गेट डालने में आसानी होगी इससे। बाकी यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक मिल जाएगा। आम रेसर गाड़ी के अंदर ऑप्शन आता नहीं है, यहाँ पे आपको हल्की फुल्की स्पेसिंग एक बोतल वगैरह बोतल यहाँ पे आप रख सकते हैं। बाकी ये आपके एसी वेंट्स आएंगे, एसी वेंट इस टाइप से कुछ दिखने में। यहाँ पे आपका स्टीरियो वगैरह आएगा नहीं कंपनी फिट से, तो आप आफ्टर मार्केट या कंपनी से लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी इसके अंदर आप ग्लव बॉक्स के अंदर हल्का फुल्का स्पेस मिलेगा, हल्का फुल्का नहीं, ठीक ठाक आपको स्पेस मिलेगा, अपने कागज़ वगैरह रख सकते हैं आराम से। बाकी ये आपका जो रियर व्यू मिरर है, ये आपका मैनुअली एडजस्ट होगा। बाकी यहाँ पे आपको कैबिन में लाइट मिल जाएगी एक फ्रंट के अंदर। अगर हम इसकी वैनिटी की बात कर ले तो भाई वैनिटी के ऊपर यहाँ पे आपको वैनिटी पे मिरर मिल जाता है। बाकी ड्राइवर साइड डोर पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है वैनिटी पे, तो आप देख सकते हैं रियर में। तो रियर में क्या कुछ मिल जाता है वो चलते हैं और रियर में आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप अपना फ्यूल लीड वगैरह भरा सकते हैं, देन आपका CNG भी यहीं से भरेगी। देन हम अभी गाड़ी के रियर में चलते हैं। तो रियर के अंदर आपको बूट की बात कर लें, रियर के आपको डोर की बात कर लें, तो ये आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको बोटल होल्डर मिल जाएगा, कर सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीकर फिटमेंट करा सकते हैं आफ्टर मार्केट। बाकी ये आपको रियर सीटिंग मिल जाएगी पूरी की पूरी, दिखने में इस टाइप से आएगी। आर्म रेस्ट का ऑप्शन आता नहीं है ना रियर में ना फ्रंट में, तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। बाकी रियर की स्पेसिंग आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो रियर के अंदर भी आपको मतलब ठीक ठाक आपको लेग रूम वगैरह मिल जाता है, इतना अच्छा खासा मिलता नहीं है क्योंकि आपके पैर दबेंगे। बाकी जो आपके हेड रेस्ट है ये फिट आते हैं पूरे, एडजस्टेबल नहीं है। रियर के भी आपके फिट आते हैं पूरे, एडजस्टेबल नहीं है। तो बाकी रियर से कैबिन लुक सिलेरियो में कुछ इस टाइप से दिखने को मिलता है। बाकी एक बार हम चलते हैं गाड़ी के आगे, और आगे से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको क्या कुछ इंजन, वो जो सिलेरियो का इंजन मिलता है वो इस टाइप से देखने को मिलता है, जो कि आपका 1 लीटर का इंजन आता है 998 cc के साथ। बाकी अगर आप इसकी ये जो इंजन है आपका 67 BHP की पावर और 90 Nm टॉर्क जनरेट ये करता है। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं आपकी CNG फिटमेंट हो रखी है। बाकी आपको CNG भराने का जो हुआ है वो आपका पेट्रोल वाले की साइड से भरेगा, जहाँ से आपका पेट्रोल भरेगा वहीं से आपकी CNG भरेगी। बाकी आपका जो इंजन है यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग कर रखी है, ये आपका बैटरी वगैरह हो गई, तो इस साइड से आपको मिलता है। और आपको हाइड्रोलिक वाला सिस्टम नहीं मिलता इसके अंदर, जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपको लगाने का सिस्टम दे रखा है। तो फ्रंट में ही आप देख सकते हैं रूफ के ऊपर आपका एंटीना लगा रखा है, जो लंबा वाला एंटीना है बिल्कुल, और ये ऐसे ही आता है कंपनी फिटेड एंटीना। बाकी आप रियर मिरर की बात करोगे तो रियर मिरर में आपको यहाँ पर CNG की ब्रांडिंग कर रखी है। तो आई होप गाइस आप सबको पता लग गया होगा सिलेरियो कैसी आती है 2021, क्या आपको इसके रेट वगैरह आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहे होंगे, एक्चुअल प्राइस कितना पड़ जाता है और ऑन रोड कितनी पड़ जाती है ये आपको। तो इस टाइप से आपको सिलेरियो मिलती है, मारुति सुजुकी की सिलेरियो। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, बिना कहीं जाना मत। बाकी अगर वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।